सोमवार अलसुबह दरगाह थाना क्षेत्र के एक मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से जहां घर का सारा सामान जलकर राख हो गया, वहीं आग की चपेट में आई घर की मालकिन बुजुर्ग महिला की भी झुलसने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची दरगाह थाना पुलिस ने झुलसे महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक बालाबाई के पड़ोस में रहने वाले महेश कुमार सैन ने बताया कि लाखन कोठड़ी स्थित कृष्णा भवन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। उस वक्त घर में बुजुर्ग महिला बालाबाई दूध गर्म कर रही थी। आग की चपेट में आने से बालाबाई बुरी तरह झुलस गई। आस पड़ोस के लोगों ने आग लगते देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। घटना के वक्त बालाबाई घर में अकेली थी। लाखन कोठरी सतनारायण के मंदिर के यहाँ एक हमारे बुजुर्ग थी बाली भाई, उसके क्या पड़ोस में वो चाय पानी बना रही थी और अचानक आग लग गई। और दरअसल में हम सब जने देखे भाई धुआं कैसे निकल रहा है, और धुआं देखकर गेट पेड़ा अंदर से बंद था उसको तोड़ा करा, फिर हम अंदर गए तो आग को बुझाई करी। और उसके बाद में बुझाने के बाद में फायर ब्रिगेड दारगा थाने के पुलिस वाले आए, उन्होंने देखे बात करी, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग, पड़ोसियों ने बुझाई आग, और उसके बाद में हम सब जने मिलकर बाली भाई को बाहर निकाला। आग की सूचना पर पहुंचे दरगाह थाने के एएसआई दशरथ सिंह ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, मगर महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने पड़ोसियों की मौजूदगी में मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव पड़ोसियों को सौंप दिया। आज दिनांक 17/11/14 को समय करीब 8:30-9 बजे दिलीप सिंह पूर्व पार्षद ने इत्तला दी कि हमारे पड़ोस में रहने वाले बाला भाई जो अपने मकान में अकेले रहते हैं, जो दूध गर्म करते वक्त अचानक अपने कपड़ों में आग लगने के कारण धुआं उठा, तो हमने अड़ोस पड़ोस ने आवाज दी, गेट तोड़ के देखा जब तक वो पूरी जल चुकी थी। फिर पुलिस को इत्तला दी, पुलिस मौके पहुंची और आग पर काबू पाया। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी, बाद पोस्टमार्टम लाश परिजनों को सौंपी जाएगी। पुलिस और पड़ोसियों के अनुसार बालाबाई अकेले ही रहा करते थे।